जेडीएस किचन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करने के लिए, कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के लिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया। देवियों और सज्जनों, आज हम बनाएंगे गार्लिक की चटनी या लहसुन की चटनी। ये चटनी की रेसिपी अंकलेश्वर गुजरात से हमारे दर्शक प्रीति जी ने भेजी है। ये चटनी यूनिक है, अलग है, स्पाइसी है, मगर बहुत टेस्टी और डिलीशियस है। तो सबसे पहले इस लहसुन को रोस्ट कर लेंगे। चटनी में हल्की सी स्मोकिंग फ्लेवर देने के लिए लहसुन को गैस पर जलाएंगे, पलटते जाएंगे और गार्लिक को रोस्ट करते जाएंगे। हमारा गार्लिक चार हो चुका है, अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। ये एक टीस्पून जीरा है, क्यूमिन सीड्स है एक टीस्पून। इस जीरे को हम धीमी आंच पर भुनेंगे। जब तक इसका कलर बदल नहीं जाता तब तक भुनेंगे। देखिए जीरे का कलर बदल चुका है, हमारा जीरा भुन चुका है। उसे गैस से उतार कर ठंडा कर लेंगे। ये आधा कप लहसुन की कलियों को छिलके निकाल कर रखा है और इस गार्लिक के साथ साथ चार किया हुआ, रोस्ट किया हुआ लहसुन भी रखेंगे। ये करीब 10-12 कलियां है। दो हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा जिंजर लेंगे, अदरक लेंगे करीब 1 इंच, 1/4 कप हरा धनिया लेंगे जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, और नमक लेंगे स्वादानुसार। ये खड़ा नमक है, समुद्री नमक करीब 1 टेबलस्पून, काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/3 कप, बढ़िया लाल कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, और आखिर में ये पीनट ऑयल लेंगे करीब 100 ml। इस गार्लिक की चटनी में पीनट ऑयल बहुत ज़रूरी है। हम हमारी लहसुन की चटनी इसमें बनाएंगे, इमाम दस्ते में कूट कूट कर बनाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा लहसुन डालेंगे, एक साथ में पूरा गार्लिक नहीं डालेंगे, और उसे कूटते जाएंगे। हम मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, थोड़ी मेहनत का काम है मगर मेहनत का फल बहुत टेस्टी होगा। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे और कूटते जाएंगे। फिर से थोड़ा गार्लिक डालेंगे और कूट लेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च को डालेंगे जिसको हमने काट कर रखा था। अब नमक डालेंगे, खड़ा नमक डालेंगे, समुद्री नमक डालेंगे और फिर से कूटना चालू करेंगे। भुना हुआ जीरा डालेंगे 1 टीस्पून, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स डालकर फिर से हमारी कसरत चालू करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हमने इसमें गार्लिक डाला है, जिंजर डाला है, भुना हुआ जीरा डाला है, हरी मिर्च और हरा धनिया डाला है। अब इसमें पीनट ऑयल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पीनट ऑयल डालेंगे, एक साथ में नहीं डालना है, और पीनट ऑयल को डालकर फिर से अच्छे से कूटना चालू करेंगे। अब इसमें डालेंगे बाकी बचा हुआ हरा धनिया और थोड़ा कूटने के बाद में डालेंगे ये गार्लिक। लहसुन की कलियों को डालकर फिर से कूटेंगे। अब डालेंगे काश्मीरी रेड चिली पाउडर और फिर से कूटना चालू करेंगे। देवियों और सज्जनों, इस रेसिपी में कूटने का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, महत्व बहुत ज़्यादा है। फिर से थोड़ा सा पीनट ऑयल डालेंगे, ये कच्चा पीनट ऑयल है। पीनट ऑयल को हमने गरम बिल्कुल नहीं किया है। फिर से रेड चिली पाउडर डालेंगे और डालेंगे बाकी बचा हुआ गार्लिक। काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा पीनट ऑयल डालकर एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे।
दोस्तों, ये प्रीति जी की रेसिपी है, हम उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं करेंगे। इस चटनी में कच्चे पीनट ऑयल का स्वाद बहुत बढ़िया लगता है। हरी मिर्च की स्पाइसीनेस, जीरे की खुशबू, जिंजर और हरे धनिए का स्वाद, आप इस गार्लिक चटनी के, लहसुन की चटनी के स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। तो लीजिए हमारी लाल गार्लिक की यूनिक चटनी, लहसुन की चटनी, पीनट ऑयल वाली चटनी, जिसका स्वाद सबसे हटकर है, अलग है, खाने के लिए तैयार है। प्रीति जी, आपका शुक्रिया, आपकी चटनी के लिए आपका शुक्रिया, इतनी अच्छी और यूनिक गार्लिक की चटनी के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप चाहो तो इस गार्लिक की चटनी में हींग, करी पत्ता और पीनट ऑयल का तड़का तैयार करके डाल सकते हो। तड़का लगाने के बाद लहसुन की चटनी कुछ ऐसी दिखेगी। अगर आपको ये गार्लिक की चटनी अच्छी लगी है तो कमेंट्स करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें और व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दे। धन्यवाद। नमस्कार।